जानिए बॉलीवुड की सबसे दुखद लव स्टोरी क्यों है गुरुदत्त और गीता दत्त की प्रेम कहानी। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। अभिनेत्री और गायिका गीता दत्त का जन्म 23 नवंबर 1930 को बंगाल के एक जमींदार के परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था गीता घोष चौधरी। गीता के 10 भाई बहन थे। 1942 में गीता का परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। 1951 में गुरुदत्त बतौर निर्देशक अपनी पहली फिल्म बाजी बना रहे थे। उसी फिल्म में एक गाना गीता दत्त ने गाया। तब गीता दत्त एक बड़ी सिंगिंग स्टार थी और उन्होंने 500 से ज्यादा गाने गाए थे। इस बीच गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच नजदीकियां बढ़ी। 3 साल रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने 1953 में शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, तरुण, नीना और अरुण। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे क्योंकि उनका ईगो टकराने लगा। कहते हैं कि शादी के बाद गुरुदत्त ने गीता को फिल्मों में गाने से रोक दिया था। ये भी टकराव की वजह बनी। ये शादी केवल 11 साल ही चली। गीता और गुरुदत्त के झगड़े और भी बढ़ गए। गुरुदत्त ने रिश्ते सुधारने की एक और कोशिश की। उन्होंने गीता के लिए एक फिल्म शुरू की, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए कि 2 दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। दोनों फिल्मों के सेट पर ही लड़ा करते थे। 1964 में गुरुदत्त किराए के फ्लैट में ही मृत पाए गए। कहते हैं कि उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली थी। गुरुदत्त की मौत के बाद गीता ने बहुत शराब पीनी शुरू कर दी। आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई। 1972 में लिवर की बीमारी के चलते गीता दत्त की भी मौत हो गई। मौत के वक्त वो महज 42 साल की थी। मेरा सुंदर सपना बीत गया, ना ये चांद होगा, ख्यालों में किसके, आज सनम मोहे अंग लगा लो, गीता दत्त के कुछ बेहतरीन गाए हुए गानों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।